चलिए बांग्लादेश की 25 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में मुस्लिम दंगाइयों ने की बर्बरता की हदें पार, आवामी लीग के 24 नेताओं को जिंदा जलाया। उपद्रवियों ने गाड़ियों ने शव रखकर निकाला जुलूस। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम को आग के हवाले कर दिया। इसी के साथ आग लगने से उठा धुएं का गुब्बार। बांग्लादेश में हिंसा की भेंट चढ़े हिंदू दंगाइयों ने कई मंदिरों में आगजनी की है। भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ की। बांग्लादेश में हिंदू और मंदिरों को टारगेट कर रहे दंगाई। बांग्लादेश में मुस्लिम समुदाय ने हिंदू गांव पर किया हमला, घरों को घेरकर हिंदुओं को गांव से बाहर निकाला, वीडियो सामने आया। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई है, मंदिरों और हिंदुओं पर किया गया हमला, प्रदर्शनकारियों ने मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा। आवामी लीग की सहसचिव सुमन खान के घर को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। कूचबिहार बॉर्डर के पास मौजूद घर में सोमवार दोपहर को आग लगाई गई, किसी का हताहत होने की खबर नहीं। उपद्रवियों ने बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर कप्तान मशरफे मुर्तजा के घर में आग लगा दी। शेख हसीना के बेहद करीबी माने जाते थे मशरफे मुर्तजा। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के बनने में अहम रोल निभाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को नहीं छोड़ा। प्रदर्शनकारी ढाका में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़कर तोड़फोड़ करते हुए भी दिखाई दिए। बांग्लादेश की एक और जेल पर दंगाइयों का हमला, सतखीरा में जेल पर दंगाई भीड़ का हमला, हमले में के बाद करीब 600 कैदी यहां से फरार हो गए। उत्तरी बांग्लादेश में डंडों और पत्थरों से लैस भीड़ ने जेल में घुसकर उत्पात मचाया। 20 आतंकवादियों समेत 500 से ज्यादा कैदियों को छोड़ाया गया। कई जगहों पर एक्शन की गई। बांग्लादेश के ढाका में कई जगहों पर हुई फायरिंग, झड़प का वीडियो भी सामने आया है। बड़े पैमाने पर देश भर में हो रहा है प्रदर्शन। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने कई पुलिस स्टेशनों पर हमला किया, जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। पुलिस स्टेशन से हथियार, गोलियां और अन्य सामग्री लूटी गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, तख्ता पलट के बाद टारगेट पर हिंदू, कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को गांव से निकाला। बांग्लादेश में उपद्रवियों का तांडव जारी है, विद्रोहियों ने शेख हसीना की पार्टी के एक और ऑफिस को निशाना बना लिया है। आवामी लीग पार्टी के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की गई। प्रधानमंत्री आवास में उपद्रवियों का बवाल, तोड़फोड़ के साथ ही लूटपाट को अंजाम दिया गया, कीमती सामान लेकर भागे विद्रोही। ढाका में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के दफ्तर पर उपद्रवियों ने हमला बोला, कार्यालय के बाहर लगे होर्डिंग को गिरा दिया गया, दफ्तर में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में नहीं खत्म हो रहा प्रदर्शन का दौर, पुलिस और आवामी लीग ने उत्तरा में एक इमारत की छत से प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की है। शेख हसीना की सत्ता में दखल होने के बाद भी जारी है बवाल, प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के बने चित्र को जेसीबी की मदद से गिरा दिया है। पीएम आवास में प्रदर्शनकारियों का कब्जा, कैंपस में बने तालाब में वोटिंग करते हुए कैद हुए हैं। ढाका की सड़कों पर शेख हसीना के खिलाफ लिखे स्लोगन, तानाशाही खत्म और न्याय मिलने की बातें लिखी गई हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने पर उपद्रवियों ने मनाई खुशियां, यहां पर नाचते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये बांग्लादेशी संसद की तस्वीरें हैं, जहां लूटपाट खुलकर की जा रही है। आप देखिए, जो प्रदर्शनकारी है या ये कहें कि उपद्रवी है, वो संसद के अंदर घुस गए और लूटपाट सरेआम की जा रही है। यानी शेख हसीना का इस्तीफा की मांग जो ये कर रहे थे, इस्तीफा मिल चुका है, शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर उपद्रव रुक नहीं रहा है। संसद में लूट की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, संसद भवन में तोड़फोड़ तो की ही है, लूटपाट की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेशी संसद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं अंदर, ये भी आप देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल, तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बांग्लादेश की संसद में कैसे लूटपाट यहाँ पर मचाई जा रही है। आप देखिए कि पहले प्रधानमंत्री आवास की तस्वीर आपने देखी और उसके बाद अब संसद के भीतर की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दंगाई घुसे हुए हैं संसद के भीतर, लूटपाट मचाते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं। तो उपद्रव चारों ओर इस समय देखा जा रहा है और लगातार ये जो हालात हैं वो बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के भीतर भी जिसके हाथ जो लगा वो लेकर वहाँ से फरार हो गया, और कुछ वैसे ही हालात इस समय संसद के भीतर भी यहाँ पर दिखाई
दिखाई दिए हैं, कई कीमती सामानों को तोड़ा गया है और इसी के साथ में आप देखिए कि किस तरीके से किताबें चारों ओर बिखरी यहां पर दिखाई दी है। तो संसद में लूट की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त कोई भी ऐसी सरकारी बिल्डिंग बची नहीं है जहाँ पर घुसकर इस तरीके की तोड़फोड़ ना की गई हो। आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, लूटपाट मचाई जा रही है, इसके वीडियोज भी बनाए जा रहे हैं। आपने कल भी देखा कि प्रधानमंत्री आवास के भीतर घुसकर, पीएम के बेडरूम में घुसकर, किचन में घुसकर, फ्रिज खोलकर किस तरीके के हालात यहाँ पर दंगाइयों की ओर से पैदा किए गए। फिलहाल ये तस्वीर बांग्लादेश की संसद में लूट की हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हालात यहाँ पर खराब होते जा रहे हैं। सेना एक तरफ कह रही है कि स्थिति को नियंत्रित किया जाएगा और 24 घंटे के भीतर भीतर स्थिति नियंत्रित हो जाएगी, लेकिन बांग्लादेश में इस समय सिर्फ आगजनी, तोड़फोड़ और बवाल की ही तस्वीर देखने को मिल रही है। तो बांग्लादेश की संसद में उपद्रवी घुसे हैं, उपद्रवियों ने लाइब्रेरी को लूट लिया है, जो कीमती सामान था जिसके हाथ जो लगा वो लूटते हुए यहाँ पर दिखाई दिए। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं बांग्लादेश की संसद में किस तरीके के हालात। तो बांग्लादेश की संसद की तस्वीर आपने देख ली, अब आपको मंदिरों की तस्वीर भी दिखा देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें तोड़ा जा रहा है और जानबूझकर के नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कई मंदिरों में आगजनी की गई है, कई मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। ये तस्वीरें भी सामने आई है जहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों पर इस तरीके से हमला करके उसे क्षतिग्रस्त किया गया है और ये तस्वीरें अपने आप में ये कहने के लिए काफी है कि किस तरीके से हिंदुओं पर वहां पर अटैक किया जा रहा है। जो उनकी धार्मिक भावनाएं हैं उन्हें न केवल ठेस पहुंचाया जा रहा है बल्कि उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के घरों को आग लगाई जा रही है पूछ पूछ करके कि आखिरकार आपका नाम क्या है, और जो भी मिल रहा है उसके साथ इसी तरीके से बर्बरता की जा रही है। आपको बता दें कि 27 जिले ऐसे हैं बांग्लादेश में जहां पर हिंदुओं के साथ इस तरीके से बर्बरता की जा रही है। उनके मंदिरों को क्षतिग्रस्त करने की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जहां इस्कॉन टेम्पल में आग लगा दी गई है। ढाका के इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें भी कुछ इसी तरीके से थी, हालांकि वहां के आचार्य का कहना था कि हम सब मंदिर के अंदर मौजूद हैं और अपने मंदिर को छोड़कर के कहीं नहीं जाने वाले क्योंकि ठाकुर जी अंदर है। लेकिन सवाल वही कि आखिरकार बांग्लादेश में हर बार इसी तरीके से हिंदुओं को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? 1971, 1975, 2024 बार बार सिर्फ और सिर्फ हिंदू निशाने पर होते हैं और ये कोई पहला देश नहीं है, ऐसा कोई पहला एशियन कंट्री नहीं है जहां पर इस तरीके से बर्बरता हिंदुओं के साथ की जा रही है, उनके मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसी पहली तस्वीरें कई देशों से और भी सामने आई हैं, लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से हाल खराब हुए हैं उसके बाद हिंदुओं के मंदिरों पर उनकी आस्था पर ठेस पहुंचाई जा रही है। अरे खाटना भाई, ये तो ना सैलेंडर।